हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास एंड इन दिस सेशन वी ऑल आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज अबाउट द वीटल विलेज एंड थ्राइविंग टाउन्स। तो अभी हमने जो लास्ट क्लास में चैप्टर पढ़ा था उसमें हम किंग के बारे में पढ़ रहे थे, यानी अभी हमने मगध के किंग के बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिम्बिसार। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमने अशोक के बारे में पढ़ाया, जो कि मौर्य एम्पायर का ही एक रूलर था। अब हमें इस चैप्टर में जो आम जनता थी उनकी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, जो हमारे किंग थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और टैक्स देने वाले कौन होते थे, कौन टैक्स पे करते थे, याद है आप सभी को? मैम, हर्डर्स, विलेजर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स। वेरी गुड। तो जैसा कि अभी देखिए अरुण, महक सभी बता रहे हैं करेक्ट है। तो कौन कौन से लोग थे? फार्मर्स, हर्डर्स, कैसे लोग थे जो टैक्स पे करते थे। अभी हमें इस चैप्टर में ना उन्हीं लोगों की लाइफ पढ़नी है, यानी कि ये जो टैक्स पे करते थे उनकी लाइफ एक्चुअल में कैसी थी, क्योंकि हमने किंग के बारे में पढ़ लिया। लेकिन अगर किंग को टैक्स नहीं मिलता तो क्या किंग रह सकता था? नो मैम, क्योंकि एक किंग को कहाँ से प्रॉफिट आता है? जैसे हमारी गवर्नमेंट है ना, हमारी गवर्नमेंट को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की इनकम कहाँ से होती है? जब टैक्स पे किया जाता है, उसी टैक्स के पैसों को वो यूटिलाइज करते हैं। सड़कें बनवाई जाती हैं और स्कूल बनवाए जाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह बनवाए जाते हैं। सेम ऐसे ही पुराने टाइम पे भी होता था, जब लोग टैक्स पे करते थे, राजा की इनकम होती थी, किंग की इनकम होती थी, और वो उसी पैसों को सारे कामों पे खर्च करते थे, यानी कि सोल्जर्स को पेमेंट करते थे, सैलरी देते थे, और जो किले वगैरह बनवाते थे या फिर और साजी मंदिर बनवाते थे, फोर्ट बनवाते थे, तो इन सारी चीजों के लिए वो क्या करते थे, उन्हीं टैक्स से मिले वाले रुपयों को खर्च करते थे। तो अभी हमें इस चैप्टर में उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ना है जो टैक्स पे करते थे, ठीक है? यस मैम, स्टार्ट करते हैं। मैम एक्सक्यूज मी। यस दीपिका। मैम एक्सक्यूज मी। यस दीपिका। मैम चैप्टर के पहले एक पेज है मैम, उसमें कॉइन के बारे में है। चैप्टर के बिल्कुल, लेकिन कॉइन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी, और अभी उसका एक रीजन है, वो मैंने क्यों छोड़ा है मैं अभी आपको उसके बारे में बताती हूँ। मैंने आपको आपको याद होगा जब हम मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी डायनेस्टी आती है जो काफी पॉपुलर रही है कॉइन्स के मामले में, यानी कि एक पहला ऐसा अंपायर जिसने गोल्ड कॉइन को स्टार्ट किया था। आप में से याद है किसी को? मैंने क्लास में बताया था, अभी फिलहाल हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा है, बट मैंने ओरली बताया था आपको क्लास में। नो मैम, नहीं याद है। वो कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सा वंश, कौन सा राजवंश जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए थे? नहीं याद है। तो अभी कॉइंस के बारे में हम लोग ना नेक्स्ट चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। यस मैम। यस, तो बेटा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना हमारा, उसमें हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, और मैंने आपको बताया था कि गुप्त वंश का ही किंग था समुद्रगुप्त, जिसने सबसे पहले गोल्ड कॉइंस स्टार्ट किए थे। तो हमारे यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स को स्टार्ट करने का क्रेडिट किसे जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है? फिलहाल हम गुप्त वंश के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना उसमें हमें इसी वंश के बारे में पढ़ना है। यस बेटा, आवाज जा रही है सभी को? यस मैम। चलिए तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और कॉइन्स के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया है, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से रिवाइज किया जाएगा, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? चलिए तो अभी हमारा जो आज का चैप्टर है हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज वीटल्स विलेज थ्राइविंग टाउन्स, यानी कि समृद्ध गांव, जो ऐसा गांव जिसमें सभी लोग खुश रहते थे, एंड खुशहाल, थ्राइविंग टाउन्स, खुशहाल, अच्छे बसे हुए नगर। तो यानी कि जब लोग समृद्ध हैं, यहाँ के किसान खुश हैं, अच्छी खेती करते हैं, तो यानी कि गांव कैसा रहेगा, बहुत ही खुशहाल रहेगा।
एंड दूसरा है थ्राइव, वहाँ पर झगड़ा नहीं होगा। यस यस बिल्कुल, अगर यहाँ देखिए अगर सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, सभी लोग अपनी आजीविका कमा ले रहे हैं, तो क्या होगा जब लोगों के पास किसी चीज की कमी होती है ना, तभी वो क्राइम करना स्टार्ट करता है। जैसे कि अब जो लोग बहुत गरीब हैं वही क्या करते हैं, चोरी करना स्टार्ट करते हैं, क्राइम स्टार्ट होता है। तो जहां पर लोगों के पास सब कुछ है तो क्राइम करने की नौबत आएगी ही नहीं। यानी कि ये जो गांव है ये कैसे थे, खुशहाल एंड थ्राइविंग टाउन्स, खुश ये देखिए समृद्ध गांव, खुशहाल नगर, क्या अब हमें इनके बारे में पढ़ना है, ये हमें कौन से टाइम पीरियड के बारे में बताया है ये भी हम पढ़ेंगे अभी साथ के साथ, कौन से एरिया के बारे में बताया है ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यही वो एरियाज हैं जहां पर अभी जहां के किंग्स के बारे में हमें आगे भी पढ़ना है। ठीक है चलिए, तो प्रभाकर सर स्टार्ट करते हैं। ये है प्रभाकर। तो प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ्स एट द लोकल शॉप। तो अब प्रभात जो है ये एक वॉचिंग द स्मिथ, ये एक लोहार को देख रहा है। तो स्मिथ कौन होता है, जो आयरन टूल्स बनाता है, जो भी लोहे के टूल्स बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्मिथ। तो ये एक छोटी सी दुकान है जहां पर आयरन टूल्स बनाए जाते हैं, वहां पर खड़ा है देख रहा है। देयर वाज अ स्मॉल बेंच ऑन व्हिच आयरन टूल्स लाइक एक्सेस एंड सिकल्स वर लेड आउट। वहां पर एक छोटी सी बेंच थी उस दुकान पे, उस छोटी सी दुकान पे एक छोटी सी बेंच थी जिसमें आयरन के टूल्स रखे हुए थे। क्या क्या टूल्स थे, एक तो एक्स रखी हुई थी यानी कि कुल्हाड़ी, एंड दूसरा था सिकल जिससे गेहूं काटा जाता है। मैम हसिया, यस हसिया, मुझे फिलहाल हिंदी में नाम नहीं याद आ रहा था। तो सिकल क्या होता है, जिससे हम गेहूं वगैरह काटते हैं। तो ये दोनों टूल्स वहां पर एक बेंच पे रखे हुए थे रेडी फॉर सेल, रखे थे बेचने के लिए। तो वो छोटी सी दुकान थी, अगर बड़ी बहुत ही बड़ी शॉप होती तो वहां पर वो अलमीरा में रखे जाते, लेकिन छोटी सी लोकल शॉप थी इसलिए ये टूल्स बेंच पे सजाए हुए थे कि कोई आए और इन्हें खरीद ले। अ ब्राइट फायर वाज बर्निंग। अब वहां पर ब्राइट फायर यानी कि भट्टी जल रही थी। अब क्यों जल रही थी ये, क्योंकि लोहे के टूल्स को गर्म करके ही बनाया जाता है। देखा होगा अगर आप लोगों ने कहीं आयरन टूल्स, यस मैम, देखा है ना उनको गर्म करके बनाया जाता है, क्योंकि जब ये गर्म होते हैं ना तभी उनको पीट पीट के दूसरी शेप दी जा सकती है, ठंडे में नहीं बनाए जा सकते। तो दुकान पे क्या हो रहा था, आग जल रही थी एंड टू मेन वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल्स रॉड इनटू शेप। और दो लोग थे जो लोहे की रॉड को यानी कि लोहे की मोटी सी रॉड थी उसे गर्म कर रहे थे और पीट पीट कर, गर्म करके और पीट पीट यानी कि हीटिंग एंड बीटिंग, तो गर्म कर रहे थे उसके बाद शेप भी दे रहे थे। It was very hot and noisy. और इन सारे कामों में यानी कि जब ये आयरन टूल्स बनाए जा रहे थे तो वहां पर शोर भी काफी ज्यादा आ रहा था, गर्मी भी बहुत थी और शोर भी काफी ज्यादा आ रहा था। लेकिन प्रभाकर को, एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग, लेकिन प्रभाकर को ये सारी चीजें देखना अच्छा लग रहा था, बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा था उसे, इसीलिए तो उस दुकान के सामने खड़ा हो गया। आप भी कहीं जा रहे होते हैं, अगर बाय चांस आप पहली बार कोई काम होते हुए देखें तो आप भी खड़े हो जाएंगे कि हम भी देखें कैसे। यस मैम, कभी कभार रुक के देखने लगते हो ना। यस मैम, मैम जैसे सर्कस आता है। यस मैम, यस जैसे सर्कस आता है। चलिए तो अभी आगे पढ़ना है हमें, तो देखिए यानी कि अभी हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आयरन के बारे में, इसीलिए हमें आयरन का इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो आयरन के बारे में एक चीज और है कि आयरन एक ऐसा टूल है जिसे सारी फैमिलीज यूज करती हैं, चाहे वो बहुत ही गरीब हो या ज्यादा अमीर हो, सबके घर में आयरन टूल्स रहते हैं ना, चाहे कम होंगे चाहे ज्यादा होंगे। अगर हम किसी एक ऐसे पर्सन की बात करें, एक ऐसी फैमिली की जो झोपड़ी में रहते हैं हट में, उनके पास भी आयरन के टूल्स होते होंगे ना। यस मैम, यस मैम, यस मैम, कौन से टूल्स, यस मैम, उनके यहाँ पर, यस मैम, आयरन के कौन से टूल्स हो सकते होंगे। मैम सिकल, यस सिकल हो सकता है। मैम जो घनासा होता है, एक सबसे कॉमन चीज जो जरूरी होती होगी, तवा, रोटी बनाने वाला। कोई भी ऐसी फैमिली है जो बिना खाए रह सकती है, नहीं। तो यानी कि
जो आयरन है ना, ये एक ऐसी चीज है जो सबकी फैमिलीज में दिखेगी, चाहे वो बहुत ही हाई फैमिली हो चाहे बहुत ही गरीब लोग हो। तो ये जो आयरन है दिस इज अ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो अभी हमें देखिए इसके बारे में पढ़ना है, आयरन के बारे में, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। तो अब हमें क्या पढ़ना है, लोहे के कौन से औजार थे और आयरन टूल्स एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से यूज हुए, इससे क्या फायदा हुआ, सारी चीजें हमें पढ़नी है अभी इस वाले टॉपिक में। तो वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टूडे। तो आज की अगर हम बात करें तो हम आयरन के बहुत सारे यूज करते हैं, आयरन की रॉड होती है, आयरन को हम लोग छत बनाने में भी यूज करते हैं, विंडो भी होती है, गेट भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसकी। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर पार्ट ऑफ अवर डेली लाइव्स। तो लोहे से बनी हुई चीजें और स्टील से बनी हुई चीजें, ये आज के टाइम पे हमारे डेली जो हमारी डेली लाइफ होती है, डेली रूटीन होता है, तो हम सभी के घर में लोहे से बनी हुई चीज जरूर दिखाई देती है। अब आयरन की शुरुआत कब से हुई थी, तो आयरन की शुरुआत कब से हुई है हमारे सब कंटिनेंट पे, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं अपने वाले कंटिनेंट की। तो हमारे कंटिनेंट एशिया, नहीं देखिए अभी मैं आपको, एशिया जो है वो एक कॉन्टिनेंट है, पूरा एशिया महाद्वीप है, जानते हैं ना हम सभी लोग। मैम कॉन्टिनेंट सुनाई दिया। तो देखिए कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंट है, जैसे अभी मान लो आपको बताया गया कि नाउन की डेफिनेशन दी जाती है ना, फिर नाउन के टाइप्स हो गए, एंड अगर उसमें से किसी एक, जैसे अभी बात करें उसमें होता है पर्सनल प्रोनाउन में, जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके फिर तीन टाइप्स होते हैं, तो उसको सब टाइप्स कहा जाता है। यानी कि अगर हम किसी के टाइप्स की बात कर रहे हैं उसके भी टाइप्स होते हैं, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, सब टाइप्स। ऐसे ही कॉन्टिनेंट में है, एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है या एशिया, उसे हम कॉन्टिनेंट बोलेंगे। लेकिन अगर उसी में बसे हुए हमें किसी देश की बात करनी है, किसी एक देश की, किसी एक कंट्री की, तो वो क्या होगा, सब कॉन्टिनेंट। तो ऐसे ही हमें अपने सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताएं, यानी कि हमारे इंडिया में। तो हमारे इंडिया में, फिलहाल इंडिया नहीं, उस समय पाकिस्तान भी साथ में ही था जिस समय की ये हिस्ट्री है हमारी। तो हमारे इस कॉन्टिनेंट पे आयरन की शुरुआत कब हुई थी, आज से लगभग 3000 ईयर्स पहले। ओके यस मैम, ये आपको याद रखना है, कब हुई थी, आज से 3000 ईयर्स, 3000 यानी कि जब भी हम आयरन टूल्स को यूज करेंगे तो हमें ध्यान आएगा कि आज से 3000 साल पुराना है। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन मेगालिथिक बरियल्स। अब हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है मेगालिथिक बरियल्स, जो हमने महापाषाण काल में कब्रें पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि लोगों की कब्रों के साथ उनकी चीजें भी दफना दी जाती थी, याद होगा आपको। यस मैम Yes. उन चीजों के साथ उनके औजार, उनके बर्तन, ये सारी चीजें भी तो मिली थी ना हमें खुदाई के बाद। मैम आपकी ऑल स्लो आ रही है, मैम सुनाई ही नहीं। मैम आपकी आवाज बहुत फर्स्ट है। यस बेटा, तो देखिए अब आगे, तो हमें सबसे ज्यादा आयरन टूल्स के जो कलेक्शंस हैं, सबसे ज्यादा आयरन टूल्स हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्या कहाँ मिले हैं हमें, मेगालिथिक बरियल्स में, यानी कि जो महापाषाण काल की कब्रें हैं वहां पर जो डेड बॉडीज को दफनाया जाता था उनके साथ जो चीजें मिली हैं उसी में हमें आयरन टूल्स भी मिले हैं। अब आगे देखिए और क्या बताया हमें, अराउंड 2500 अगो, यानी कि आज से 2500 साल पहले, आज से 2500 years ago क्या हुआ था, एविडेंस फॉर ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। अब नए नए और भी औजार हमें मिले, यानी कि देखिए जो एक्स है ना, जो कुल्हाड़ी है जिससे लकड़ियां काटी जाती हैं, वो आज नहीं बनी है, कब बनी थी सबसे पहले, आज से लगभग 3000 साल पहले नहीं, देखिए 3000 साल पहले तो हमें लोहा मिला है, लेकिन ये जो टूल्स है ना, ये टूल्स कब मिले हैं हमें, 2500 years ago, okay? तो अब देखिए कौन कौन से टूल्स मिले थे हमें आज से 2500 साल पहले, एक्सेस कुल्हाड़ी मिली थी, और दूसरा है प्लव शेयर जिससे जुताई की जाती है। तो हमने अभी आयरन प्लव के बारे में पढ़ा था ना, पहले लोग बैलों को चलाते थे आगे, और उस वो जो बैल है वो पीछे से प्लव को खींचते हुए लेके जाते थे, देखा था आपने। यस मैम,
एक सॉन्ग था देशभक्ति वाला, मेरे देश की धरती सोना उगले, उसमें दिखाते हैं ना वो बैल को खींच के लेके जाते हैं आगे तक, और वो जो बैल है वो प्लव को खींचते हुए जाती है। तो ये जो प्लव है ये कब बने थे? आज से 2500 साल पहले। और इन प्लव शेयर का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, यानी कि आज से 2500 ईयर्स पहले ही लोग खेती करना भी जानते थे, खेती करना जानते थे, तभी तो प्लव का यूज भी किया है उन्होंने, क्योंकि प्लव का यूज। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आ रही है। यस बेटा, हो सकता है नेटवर्क की बैंडविड्थ थोड़ा कमजोर हो रही हो तो इस वजह से आवाज की प्रॉब्लम हो सकती है। मैम आपकी आवाज कट कट के आने लगी। यस अंश बेटा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके यहाँ, ठीक है? और जब नेटवर्क ठीक होगा तो आवाज जाएगी आपको भी। अगर यहाँ से प्रॉब्लम होगी तो किसी को नहीं सुनाई देगा ना फिर। चलिए, तो इतना समझ आ गया आप सभी को जितना अभी हमने पढ़ा है? यस मैम। यस मैम। अब देखिए, इसमें से जो लर्न करने वाले पॉइंट थे, जैसे अभी मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ तो बताती हूँ क्या क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे ही इस चैप्टर में भी आपको ये याद रखना है कि जो आयरन है उस सबसे पहले कब मिला था, कहाँ मिला था, आयरन टूल सबसे पहले कहाँ मिले थे। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको लर्न रखनी है, ठीक है? यस मैम। क्योंकि इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे आगे। तो अभी केवल इतना ही है, अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब और क्या चीजें की गई प्रोडक्शन को, खेती को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे तो हम देखते हैं हमारा जो इंडिया है ना वो एग्रीकल्चर फर्स्ट, कृषि प्रधान देश है, खेती में आगे है। तो ये कब से शुरू हुआ था, इसके लिए क्या क्या चीजें की गई थी? अब देखिए, अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें की गई। तो पहला है इरिगेशन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन थी, सबसे पुरानी सभ्यता, वो कहाँ बसी थी, कहाँ पर बसे थे लोग सबसे पहले? मैम सिंधु नदी के पास। यस वेरी गुड, सिंधु नदी के किनारे। और नदी के किनारे क्यों बसे थे ये भी मैंने आपको बताया था, वो नदी के किनारे इसलिए बसते थे क्योंकि नदी से सिंचाई हो जाती थी, वो लोग फसलें उगा लेते थे और पीने के लिए उन्हें पानी मिल जाता था। तो इसलिए सबसे पहले जो नगर बसे थे वो किसी नदी के किनारे ही बसे थे। और अगर हमारे हम अपने सब कंटिनेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पुराना सिविलाइजेशन है वो कौन सा है? इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है? आज के टाइम पे सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है, हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन जो सबसे पुरानी सभ्यता थी वो कहाँ थी? सिंधु नदी के आसपास। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो द किंग्स एंड किंगडम यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेज। तो अभी आप सबने भी अभी हमने डिस्कस किया था शुरू में ही कि किसी भी किंग का और किसी भी किंगडम का, किसी राजा का और उसके राज्य, ये तभी रह सकते थे जब गांव फैलते, यानी कि अगर गांव में लोग रहते, राजा को टैक्स मिलता तभी राजा बना रह सकता था। अगर उसे टैक्स नहीं मिलता तो उसे इनकम नहीं होती, वो गरीब रहता, वो राजा अपने एम्पायर को और बढ़ा नहीं पाता ना, किले बनवा पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। तो एक राजा को उसका एम्पायर बढ़ाने के लिए क्या चाहिए था? कि जो विलेज है वो फ्लोरिश करे, फैले, गांव समृद्ध हो। गांव समृद्ध होंगे तभी राजा भी समृद्ध होगा वहां का। और इसीलिए जो राजा है उसने भी बहुत सारी चीजें स्टार्ट की थी। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन। अब देखिए, जो नए टूल्स बनाए गए, यानी कि स्टिकल बनाया गया, आयरन प्लफ बनाया गया, एंड ये जो दोनों टूल्स हैं इनका इस्तेमाल करने से खेती भी ज्यादा होने लगी, क्योंकि अपने हाथों से काम करना तो बहुत मुश्किल होता है, तो इन टूल्स को बना लेने से काम आसान हो गया। एंड दूसरा आता है ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि रोपण कृषि। तो आप सभी ने फिलहाल, मुझे मैंने देखा तो नहीं है ज्यादा, लेकिन आप सभी ने देखा होगा गन्ना और चावल कैसे उगाया जाता है, धान, उसके प्लांट को फिर से बिठाया जाता है, जैसे गन्ने के हर एक पार्ट को काट के उसे बिठाया जाता है, ऐसे ही बोलते हैं ना। यस मैम। यस मैम। तो कभी भी कोई प्लांट डायरेक्टली सीड डाल के, बीज डाल के नहीं उगाया जाता, उसके पार्ट को बिठाया जाता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है? यस मैम। ट्रांसप्लांटेशन किसके लिए करते हैं? तो धान के लिए, क्योंकि चावल भी जब उग जाता है तब उसको उखाड़ के फिर से बिठाया जाता है पानी में दूर दूर,
और दूसरा गन्ने की खेती भी ऐसी होती है, तो ये कौन सी कृषि? ट्रांसप्लांटेशन, रोपण कृषि, क्योंकि इसमें हम प्लांटेशन दोबारा से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये आयरन टूल्स और ट्रांसप्लांटेशन एंड इरिगेशन, ये तीन ऐसी चीजें थी जिनसे खेती और ज्यादा होने लगी उस टाइम पे। तो पहले तो नए टूल्स मिल गए, दूसरा इन्हें ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस मिल गई। पहले नहीं जानते थे ये लोग कि इनको इस गन्ना इस तरह भी उगाया जाता है। पहले क्या करते थे, एक गन्ना उगता था उसी को दोबारा डालते थे, फिर से बीज ढूंढते थे उसके लिए। इनको ये नहीं पता था कि इसके पार्ट को काट के अलग अलग उगाया जाता है। लेकिन अब इन्हें जब ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस पता लग गई, तब खेती भी ज्यादा होने लगी। दूसरा इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के लिए नदी से पानी लेते थे। लेकिन ये लोग केवल नदी पे ही डिपेंड नहीं थे, और क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहां पर नदी का पानी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हम ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि नदी के पानी को उठा के ले आए। तो अब क्या किया इसके लिए, इन्होंने देखिए कैनल्स बनवाई, नहरें बनवाई, यानी कि नदी को काट करके पानी दूसरी तरफ ले गए नहरों के द्वारा। कुएं बनवाए गए ताकि बारिश आए तो उसी कुएं में पानी इकट्ठा हो जाए। टैंक्स बनवाए गए, तालाब बनवाए गए, आर्टिफिशियल लेक बनवाई गई, झीलें बनवाई गई ताकि जब भी बारिश आए तो इनमें पानी स्टोर हो जाए, और जिन गांवों में नदी का पानी नहीं पहुंच पाता वहां पर कैनल, वेल, टैंक और आर्टिफिशियल लेक के थ्रू पानी पहुंचाया जा सके ताकि वहां पर भी खेती हो सके। ठीक है? यस मैम। चलो तो ये समझ आ गया इतना सभी को? यस मैम। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है, पहले मैं आपको समझाऊंगी उसके बाद हमें ये एक्सरसाइज फिल करनी है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे, देखते हैं सबसे ज्यादा आंसर कौन बताता है। तो देखिए ये आपको एक चार्ट गिवन है, यहाँ पर यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क आर मेंशन। तो इरिगेशन वर्क मतलब जो लोग थे, राजा था, उन्होंने उसने इरिगेशन के लिए बहुत सारे काम किए। फिर क्या हुआ, लोगों का उत्पादन बढ़ने लगा, ऐसा ही हुआ होगा फिलहाल मैं अभी बता रही हूँ आपको। फिर जब उनकी खेती ज्यादा होने लगी तो वो राजा को टैक्स भी पे करने लगे, तो ये सारी चीजें हुई थी। अब आपको क्या करना है ना, ये जो आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनको सही जगह पर फिट करना है। यानी कि देखिए फर्स्ट सेकंड आपको दिया हुआ है, थर्ड में क्या आना चाहिए, फोर्थ में क्या आना चाहिए, फिफ्थ में क्या आना चाहिए, सिक्स में क्या आना चाहिए, ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस, फोर्ट्स। तो राजा को जरूरत थी पैसों की, ये तो हम सभी जानते हैं, हर राजा को जरूरत होती है पैसे की, क्योंकि उसे आर्मी भी रखनी है, महल भी बनवाने हैं, किले भी बनवाने हैं। दूसरा, अब राजा को पैसों की जरूरत थी इसलिए इसने क्या किया, दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, उसने अब किसानों से टैक्सेस की मांग की। चलिए अब आपको बताना है कि इन चारों में से थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए। पहला है लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, फार्मर्स आल्सो बेनिफिट। देखिए यहाँ पर दिया है दे डिमांडेड टैक्स फॉर फार्मर्स, यानी कि उन्होंने किसानों से मांग की कि अब हमें टैक्स चाहिए। तो लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा काम किया गया। फार्मर्स आल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, अब किसानों को फायदा हुआ क्योंकि फसलों का उत्पादन बढ़ने लगा। फार्मर हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, किसानों को अपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना था क्योंकि उन्हें टैक्स पे करना है। किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स, किंग ने पैसे दिए और इरिगेशन वर्क कराया, सिंचाई के लिए काम किया। चलिए अब आपको बताना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। अभी हम थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, बताना है थर्ड में कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। यस, कौन बताएगा, शो मी योर हैंड मैम। यस दीपिका, दीपिका मैम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, फार्मर हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। चलिए यस दीपिका करेक्ट है आपका ऑप्शन। देखिए अभी क्योंकि सीक्वेंस हमारा बन रहा है, तो सबसे पहले दिया है किंग को पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसे महल, किले बनवाने थे, आर्मी रखनी थी।
इसलिए उसने क्या किया, दे डिमांडेड टैक्सेस फॉर फार्मर्स, इसलिए उसने किसानों से टैक्स की डिमांड की. अब नेक्स्ट देखिए थर्ड पे क्या आ जाएगा, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, और किसानों को अपनी उपज बढ़ानी थी ताकि वो टैक्स पे कर सकें. अब देखिए फोर्थ नंबर पे हमें क्या दिया है, दिस इज पॉसिबल विद इरीगेशन, और ये जब ही हो सकता था जब सिंचाई अच्छी हो, ये केवल सिंचाई से ही संभव था. अब बताना है कि इन फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में से फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा. यहाँ पर थर्ड तो हमारा क्लियर हो गया है, थर्ड में ये थर्ड वाला ऑप्शन आएगा, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस. फिफ्थ में बताना है अब क्या आएगा, दिस इज पॉसिबल विद इरीगेशन, ये केवल इरीगेशन से ही पॉसिबल हो सकता था. अब यहाँ से क्या आना चाहिए मैम, कैन प्रोवाइड मनी एंड प्लेन इरीगेशन वर्क्स. यस वेरी गुड. तो अब क्या हुआ, इरीगेशन से ही पॉसिबल हो सकता था, इसलिए किंग्स ने क्या किया, अब उन्होंने पैसे दिए और इरीगेशन वर्क प्लान किया कि सिंचाई कैसे होगी, कैसे पहुंचाया जाएगा. चलिए तो फिफ्थ क्लियर हो गया. अब फिफ्थ के बाद सिक्स क्या आना चाहिए, सिक्स भी हमें इसी में से बताना है. यस अविरल. यस मैम. आप बताएंगे कौन सा आना चाहिए अब इसमें से, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों में से सिक्स नंबर पे कौन सा आना चाहिए. मैम मे आई टेल. यस अरुण. मैम सेकंड. सेकंड यस. और कौन बताएगा, सेकंड करेक्ट है. यस महक. फार्मर्स आल्सो बेनिफिट बिकॉज़ ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर. नो, यहाँ पर आप दोनों ने ही मिस्टेक की है. देखिए अभी क्या हुआ ना, किंग ने क्या किया है, उन्होंने पैसे दिए और इरिगेशन वर्क बैन किया, तो केवल प्लान करने से ही कुछ नहीं हो जाएगा. अब क्या करना है, लोगों को मजदूरी भी तो करनी है, लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल. अब लोगों ने मजदूर लगाए, मजदूरी की, तभी तो जो प्लान बनाया है वो सक्सेसफुल होगा. अब देखिए क्या हुआ फिर, जब किंग ने प्लान बना दिया इरिगेशन वर्क के लिए, लोगों ने काम भी कर लिया, अब क्या हुआ फिर, प्रोडक्शन इंक्रीज, उत्पादन बढ़ा, सो डज रिवेन्यू, और फिर इससे क्या हुआ, रिवेन्यू के लिए पैसे भी होने लगे. अब लास्ट में क्या आना चाहिए, अब इसमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, एक ही पॉइंट हमारा रह रहा है. तो लास्ट ऑप्शन क्या है, फार्मर. यस, फार्मर बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन. तो अब टैक्स के लिए पैसे मिलने लगे राजा को, एंड जो फार्मर्स थे इन्हें भी फायदा होने लगा, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, क्योंकि अब जो उत्पादन था वो ज्यादा होने लगा. ठीक है, आपको ये टेबल पूरी कंप्लीट करनी है. ओके. यस मैम. यस मैम. यस यस मैम. अब ये इतना पार्ट अभी और पढ़ते हैं. अब ये चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है. नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने के पहले सबसे पहले हम लोग यही क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. तो इस गांव में रहते कौन थे, जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, एक हमारे गांव में प्रधान जी होते हैं, मुखिया होते हैं, जो छोटे छोटे किसान होते हैं जो खेती करते हैं. तो पहले के टाइम पे ना इन लोगों को अलग अलग नाम दिए गए थे. जो बड़े किसान होते थे उनका कुछ और नाम था. जैसे अभी हम बोले जमींदार, तो जमींदार क्या आएगा माइंड में, जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती है. प्रधान अगर कोई बोले तो किसका नाम आएगा, जो प्रधान है गांव के. मैम जो गांव का प्रधान है, मुखिया. अब ऐसे ही देखिए उस टाइम के लोग कैसे पहचानते थे एक दूसरे को, तो मैम उनके कामों से. यस, कामों से. और देखिए अब इनकी क्वालिटी क्या होती थी, अभी आगे पढ़ना है इस वाले पैराग्राफ में, केवल यही पढ़ना है आज. तो देयर वर एटलीस्ट थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेज इन द साउदर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. तो हम अपने अगर इंडिया की बात करें तो इसके साउदर्न पार्ट पे एंड नॉर्थर्न पार्ट में जो लोग रहते थे उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता था. तो पहले हमें दिया है तमिलनाडु, यानी कि साउदर्न पार्ट. तमिलनाडु दक्षिण में है ना, नीचे की तरफ. यस मैम. तो जो तमिल रीजन था, यहाँ पर जो लैंड ऑनर होते थे, जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, बहुत सारी जमीनों के मालिक होते थे, उन्हें वेल्लार कहा जाता था. यानी कि तमिलनाडु के आसपास के जो एरिया थे, जिन लोगों के पास बहुत सारी जमीन होती थी, उन्हें क्या कहते थे, वेल्लार.
यानी कि अगर एक ऐसा पर्सन आता जिसके पास बहुत सारी जमीन है तो लोग क्या कहते थे, वेल्लार आ रहे हैं, ठीक है मैम? वेल्लार, वेल्लार, वा पे ए की मात्रा, आधा ला, पूरा ला, ला पे आ की मात्रा और रा, वेल्लार। अब दूसरे हैं ऑर्डिनरी प्लॉकमैन, साधारण लोग जो जुताई करते थे, जो बैल को लेके जुताई करने का काम करते थे। तो इन मतलब इन साधारण लोग जिनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जो अपने खेतों पे खेती करते थे, अपनी वाली जमीन पे, इन्हें क्या कहा जाता था? उजहवार। इन्हें उड़वार भी कहा जाता था। आपको उड़वार याद रखना है नाम इनका, उड़वार, उड़वार। इसमें उजहवार दिया है बट इनको उजहवार नहीं, उड़वार कहा जाता था। एंड देखिए तीसरे कौन है, लैंडलेस लेबर, बेचारे गरीब लोग जिनके पास जमीने ही नहीं है। तो पहले तो वो हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन है, यानी कि वेल्लार। दूसरे वो किसान जिनके पास अपनी खुद की जमीन है, दूसरों को खेती नहीं कर पाते, तो वो कौन थे? उड़वार। एंड तीसरे ऐसे लोग जिनके पास जमीनें थी ही नहीं, वो बेचारे मजदूरी करते थे वेल्लारों की जमीन पर, बड़े वाले किसानों की जमीन पर खेती करते थे। इन्हें ये कौन होते थे? स्लैव, गुलाम लोग, ठीक है। अब देखिए इन गुलामों को किस नाम से पुकारा जाता था? कड़ेसियर एंड अधिमई। तो ये कड़ेसियर और अधिमई वो लोग थे जिनके पास जमीनें नहीं होती थी, जो बेचारे दूसरे की जमीन पर खेती करते थे, ठीक है। नाम याद हो गया आप सभी को? यस मैम। चलिए तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि अभी आपकी ना इसी मंथ के बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी सेवेंथ की, और सेवेंथ क्लास में आपको सेकंड चैप्टर इसी तमिलनाडु के बारे में ही पढ़ना है, तमिल के किंग के बारे में, ठीक है? यस मैम। चोल अंपायर, तो चोल अंपायर के बारे में पढ़ते टाइम आपको इन लोगों के नाम भी याद रखने हैं, तो मुझे नहीं लगता आप लोग भूल जाएंगे, याद रहेगा ना सभी को? यस मैम, यस मैम। चलिए तो बड़े किसान कौन होते थे मैम? बड़े किसान वेल्लार, यस वेल्लार, लैंड ओनर होते थे, जो छोटे किसानों को अपनी जमीन पे खेती कराते थे। एंड छोटे किसानों को क्या कहा जाता था, जो लैंडलेस थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी? इन्हें क्या कहा जाता था? कड़ेसियर या अधिमई, ठीक है? यस मैम, कड़ेसियर एंड अधिमई। और दूसरे हैं उजवर या उड़वर, ये वो लोग थे जिनके पास अपनी खुद की जमीन होती थी, यानी कि थोड़ी सी जमीन होती थी, वो उसी पे खेती करते थे और इतना ही उगा पाते थे कि अपने अपने परिवार को खिला लें बस, ज्यादा जमीनें नहीं थी ना ये लोग ज्यादा काम करते थे। चलिए तो अब बाकी हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी हमने ना साउथ के बारे में पढ़ा है, नॉर्थ के बारे में भी पढ़ना है। नॉर्थ में वेल्लार को किसी और नाम से जाना जाता था, ठीक है? वेल्लार को कुछ और नाम से जाना जाता होगा, जो ऑर्डिनरी पीपल है इन्हें किसी और नाम से जाना जाता होगा। तो अभी हमें फिलहाल आज नहीं पढ़ना है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यस मैम। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, देखिए आप सभी को पहले तो ये टेबल कंप्लीट करनी है, उसमें ही कर लेंगे ना सभी? यस मैम, यस मैम। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यस, तो बाकी अब हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, ठीक है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो किसी को कोई डाउट? यस, नो मैम, मैम। ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आप लोग इसे रिवाइज करके आएंगे। फिलहाल ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, आप लोगों को सारा याद है, मैंने क्लास में ही पूछ लिया है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लेंगे कि कुछ भूल ना जाए, ठीक है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम, गुड बाय मैम, गुड बाय।